गोपाल कांडा करेंगे बीजेपी के साथ कांड, विधानसभा चुनाव में उठाने जा रहे हैं बड़ा कदम, गोपाल कांडा करेंगे खेल, आ गया फाइनल जवाब, हरियाणा लोकहित पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी या देगी टक्कर, गोपाल कांडा ने बीजेपी से कर दी टिकटों की डिमांड, दिल्ली में हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को थमाई लंबी चौड़ी लिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अक्टूबर का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि अक्टूबर में होने वाले हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव और तमाम दल तमाम नेता इन चुनावों की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इस जुगाड़ में लगी हैं कि किसी तरह से वो विधानसभा चुनाव को जीतकर हरियाणा की सत्ता की कमान अपने हाथ में थाम सके। तो वहीं तमाम वो नेता जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी पार्टी उन्हें टिकट देगी, तो वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर एड़ियां रगड़ रहे हैं। इसके अलावा कहीं गठबंधन चल रहा है तो कहीं गठजोड़ टूट रहा है और साथ ही साथ कई नेता प्रेशर पॉलिटिक्स का भी इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं और ये प्रेशर पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिख रही है तो वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के कई नेता या तो खुलेआम या चुपके से दबाव बनाने में पार्टी पर लगे हुए हैं कि उन्हें उनके रिश्तेदारों को उनके समर्थकों को पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे। इसमें सबसे ऊपर नाम राव इंद्रजीत सिंह का है। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा लोकहित पार्टी और निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा भी अब बीजेपी से डिमांड करनी शुरू कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह प्रधान से दिल्ली में मुलाकात की थी और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, इस मुलाकात में गोपाल कांडा ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट धर्मेंद्र प्रधान को थमाई थी और इस लिस्ट में उन्होंने 15 सीटों की डिमांड रखी थी कि इन सीटों पर लोकहित हरियाणा पार्टी के उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट दे, यानी कि वो चाहते हैं कि बीजेपी उनके साथ गठबंधन में आए। गोपाल कांडा का मानना है कि उनका बनिया बिरादरी के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव है और अगर बीजेपी उनका साथ देती है, जिन जिन सीटों पर बनिया बिरादरी का सबसे ज़्यादा प्रभाव है वहाँ पर वो अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेंगे और ये सीटें जीतकर बीजेपी की झोली में डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी गोपाल कांडा की इस डिमांड को पूरा करेगी, और अगर नहीं करती है तो गोपाल कांडा का अगला कदम क्या होगा? तो क्या गोपाल कांडा अपनी और अपने भाई गोविंद कांडा की टिकट तक ही संतोष कर लेंगे या फिर खुद और अपने परिवार के कई लोगों को हरियाणा की अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनाव मैदान में उतार कर बीजेपी के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं? वैसे इस बात की संभावना है क्योंकि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति में समर्पण, राजनीति में निष्ठा, राजनीति में ईमानदारी सिर्फ कहने भर के लिए होती है। अगर सबसे ऊपर किसी के लिए कुछ है तो वो है मौका, और मौके पे जिसका चौका लग जाए वो कभी पीछे नहीं हटता, और इसमें कोई बड़े से बड़ा दल हो या फिर कोई बड़े से बड़ा नेता हमेशा उस मौके की तलाश में रहता है जब उस मौके के सहारे वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाए। तो ऐसे में गोपाल कांडा भी ऐसा मौका क्यों छोड़ेंगे जब लोकसभा चुनाव के जो नतीजे बीजेपी उम्मीद कर रही थी उस उम्मीद से काफ़ी नीचे आए हैं। ऐसे में अब बीजेपी अपनी बात मनवाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि बीजेपी के सामने जो गठबंधन के साथी हैं और जिन्होंने बीजेपी का हर समय साथ दिया, वो अब अपनी डिमांड लेकर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अब हमारी बारी है, हमारी डिमांड तो माननी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, हरियाणा में बीजेपी गोपाल कांडा की डिमांड को मानेगी? हमें अपनी राय कॉमेंट्स कर ज़रूर दें और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।